21 साल का महेश, जिसने अपने होने वाले बच्चे को लेकर कई सपने संजोए थे। शादी के बाद बस घर में खुशियां दस्तक देने ही वाली थी, क्योंकि घर में एक नया मेहमान आने वाला था। महेश अपनी पत्नी के साथ अपने होने वाले बच्चे को लेकर कई ख्वाब बुन रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते ही देखते डिलीवरी का वक्त भी आ गया, मगर खुशियां सिर्फ दरवाजा देखकर वापस लौट गई, क्योंकि डॉक्टर की एक चूक की वजह से डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों की ही मौत हो गई। महेश 3 महीने तक इस गम को भुलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में उसने भी मौत को गले लगा लिया। महेश परेशान था। सारा दिन अपने कमरे में बैठकर अपनी पत्नी की फोटो देखा करता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, महेश का दर्द कम होने की वजह बढ़ता ही गया और आज महेश ने आत्महत्या कर ली। महेश यूपी का रहने वाला था और परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। इस घटना के बाद परिवार वाले अपनी सुध खो चुके हैं। उसके बाद बोले कि ये तो फांसी लगा लिया। तो क्या कभी पहले कोई बात की इसने, किस वजह से या क्या? ऐसा कुछ नहीं, इसकी घर वाली पहले ख़त्म हुई थी 2-3 महीना पहले। इसी के ख्याल में रहता था, हमेशा समझाते रहते थे हम लोग भी कि मतलब हमेशा उसके मतलब बोलते रहते थे। फिर रोटी खा के अपने कमरे में चला जाता था। उसके बाद में हमारी घरवाली जाती थी, इसकी बहन मतलब जगा के लाती थी, खाना पीना खाते रहते थे, इसकी मम्मी सारे रहते थे रात को। फिर रोटी खा के जाके फिर इन्हें बंद कर लिया गेट, मेरी घरवाली बता रही है। फिर उसके बाद में जब गेट नहीं खुला, उसके बाद में जब आते सब लोग इकट्ठा हुए तब दरवाज़ा तोड़ा, फिर देखा इसने फांसी लगा। किस समय की घटना है ये? शायद 3-1 बजे की टाइम की बात है। तो इसको जो पहले इसने मामला दर्ज कराया था उसमें कोई इंसाफ मिला या नहीं? जी कुछ इंसाफ नहीं हुआ। क्या उस मामले को लेकर ही उसमें रहता था? जी कभी बात की इसने उस मामले को लेकर के? हमने कई बार गए और अभी फाइल भी नहीं मिली उनकी घरवाली का, जो सारा फाइल होता है। क्या लगता है कि पुलिस की वजह से इसको कुछ? अब ये तो हमें नहीं पता जी, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुआ जी हमारा। हम बहुत दूर तक दौड़े, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या इंसाफ की गुहार लगाते हैं? हाँ जी, इंसाफ की तो गुहार लगाते हैं। और एक फिर कांड हो गया, अब क्या करेंगे हम गुहार लगा के? हमारा तो दोनों चला गया। महेश के जीजा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि महेश ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा है और खोल नहीं रहा। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा तोड़कर देखा तो उसने आत्महत्या कर ली। महेश के जीजा ने बताया कि डिलीवरी के दौरान नर्सों और डॉक्टर की गलती से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस में शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि जच्चा बच्चा की मौत और महेश का आत्महत्या वाला मामला दोनों ही केस अलग हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी। लड़का महेश है, 21 वर्षीय है, अपना यहाँ रहता है अपना कॉलोनी में। और इसके बारे में अपना क्या है, इसने हैंगिंग फांसी लगा ली है, जो यहाँ के हमने छानबीन करी है। करीब अपना 2-2.5 महीने पहले इसकी पत्नी वंदना थी, उसकी अपना सिविल अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। लड़का मानसिक रूप से परेशान था तभी से। तो उसी के गम में लगता है? हाँ, ये उसी के गम में ही अपना इसने ये अपना फांसी ली। सर, परिजनों ने आरोप लगाया है कि भी इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ की गुहार लगाई है। राजेंद्र जो उसका साला है उसने लगा कहा है, तो क्या कार्रवाई की? रिगार्डिंग किस रिगार्डिंग इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ नहीं मिला जो उसकी बच्चा जो बच्चा नहीं पता है उसमें, जो उसकी पत्नी का है, हमने पोस्टमार्टम कराया, उसका विसरा वगैरह वहाँ भेजा हुआ है और उसमें डॉक्टरों की कमेटी बनाई हुई है, वो जांच कर रही है। महेश अपने परिजनों से यही कहता था कि उसे इंसाफ शायद नहीं मिलेगा और इसी गम में उसने मौत को गले लगा लिया। पत्नी की मौत से महेश पहले ही गम के गहरे सागर में डूबा हुआ था और ऊपर से इंसाफ में हो रही देरी की वजह से वो हताश हो गया था। उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच करेगी और महेश और उसकी पत्नी और उसके बच्चे के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।